किसान यहाँ से वहाँ तक जा ही ना पाए। तो किसान है वो हिंदुस्तानी है, बाकी जो ये बॉर्डर है ना, ये हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान है वो पाकिस्तान। और किसानों के लिए क्या, अगर किसान के लिए कुछ किया है तो ये क्या है, ये बॉर्डर है पाकिस्तान। इतना सुरक्षा अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे किया गया होता तो सीमा हैदर अंदर नहीं आ पाती इंडिया में। ये बैरिकेडिंग लग गई, कोई किसान आएगा वो देशद्रोही हो जाएगा, वो पाकिस्तानी हो जाएगा फिर। हाँ। पाकिस्तान तो खैर वो उधर उस साइड है। हाँ। ये हिंदुस्तान, लेकिन वो पाकिस्तानी हो जाएगा। हाँ। किसान का एक पावर जानती हैं? हाँ। किसान जब अपने पे आएगा ना तो सरकार ही लेगा। हाँ। तो इसीलिए बैरिकेडिंग कर दिया गया है देखिए, और किसानों को मारने के लिए हमारे जो जवान भाई हैं उनको आगे कर दिया जा रहा है। सरकार से क्या तकलीफ है? सरकारें तो तकलीफ है, सरकारें ही तकलीफ है। हाँ, सरकार से मुझे कोई, सरकार ही तकलीफ है पूरा। जो बीएसएफ के हमारे अधिकारी हैं वो भी मजबूरन, उन्हें ऊपर से ऑर्डर आता है, भैया ऐसा है ना, नौकरी तुम्हारे खतरे में है, नहीं तो जो मोदी जी कह रहे हैं ना, बात मानो, जो गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं बात मानो। नमस्कार, मैं नूर झा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर में, और आप मेरे पीछे एक गड्ढा देख पा रहे होंगे, और ये गड्ढा जिस चीज के लिए खोदा गया है, जिन किसानों के लिए खोदा गया है, उसी पे आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बैरिगेटिंग कर दी गई है। वहाँ पे पूरे तार लगा दिए गए हैं, और यहाँ पे आपको पूरी पुलिस फोर्स दिखाई दे रही होगी कि किस तरीके से यहाँ पे खड़ी हुई है। जिस तरीके से जो किसान आंदोलन 2.0 जो है वो शुरुआत उसकी हो चुकी है, और किसानों को रोकने के लिए सरकार ने भी बेहद कोशिशें कर ली हैं कि अब यहाँ पे उन्होंने पुलिस फोर्स को खड़ा कर दिया। वहाँ पे आपको जेसीबी दिख रही होगी, तमाम चीज़ें यहाँ पे देख रही होगी, किसान कहीं से भी एंटर ना हो पाए। और यहाँ पे जो है वो ये दिल्ली जाने वाला रास्ता है, और जो ये वाला रास्ता है हम आपको दिखा देते हैं, ये जो है वो यूपी से आने वाला रास्ता है, यहाँ से किसान आने वाले थे, लेकिन उनको रोकने के लिए तमाम कोशिशें कर दी गई, किसान आ ही ना पाए। जो बैरिगेटिंग आपको दिखा देते हैं, किस तरीके की बैरिगेटिंग कर दी गई है कि सीमेंट तक वहाँ पर लगा दिया गया है कि किसान तोड़ के जा ही ना पाए। वहीं तमाम चीज़ें भी लोग बोल रहे हैं कि किसान को क्या आतंकवादी घोषित कर दिया गया है जो इस तरीके की बैरिगेटिंग करी जा रही है। किसान जिसको अन्नदाता कहा जाता है, जो किसान हमारे लिए खाना जो हमारे घर तक पहुंचाता है, उसके लिए ये बैरिगेटिंग कर दी गई है। किसान जो है यही मांग कर रहा है, उसकी 12 मुख्य मांगे हैं, उसको लेके वो सिर्फ दिल्ली जा रहा था संसद घेराव करने, लेकिन उसके बाद आप देखिए दिल्ली तक जाने नहीं दिया जा रहा है। किस तरीके की बैरिगेटिंग कर दी गई है सरकार द्वारा, सरकार जो है वो किसान की सुन तक नहीं रही है, और उसको दिल्ली का घेराव करने तक नहीं जाने दे रही है। हमने आपको जो ये चीज़ें दिखाई हैं उसके बाद जो है जो तमाम लोग इस पे चीज़ें बोल रहे हैं कि अगर जो चाइना बॉर्डर पे इस तरीके की बैरिगेटिंग की होती तो आज शायद चाइना के पास हमारी ज़मीन नहीं होती। और तमाम जो लोग हैं वो इस पे बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको लोग दिखा देते, बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो हम इनसे ही बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर क्या कहेंगे, ये जो सील, पूरा जो बॉर्डर है ये सील कर देगी, किसान यहाँ से वहाँ तक जा ही ना पाए। जो किसान है वो हिंदुस्तानी है, बाकी जो ये बॉर्डर है ना, ये हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान है वो पाकिस्तान है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर बोल रहे हैं आप, कैसे? इतना सुरक्षा अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे किया गया होता तो सीमा हैदर अंदर नहीं आ पाती इंडिया में। हाँ। लेकिन आप जहाँ तक देखा जाए तो फिलहाल तो ये यूपी और ये दिल्ली है, जहाँ पे यूपी से दिल्ली तक किसानों को नहीं जाने दिया जा रहा है। यहाँ देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ, इतना शानदार व्यवस्था, इतना शानदार व्यवस्था अगर बॉर्डर पे किया होता सरकार ने, ठीक है, जितना ये किसानों को जाने के लिए रोका जा रहा है, तो सीमा हैदर अंदर नहीं आ पाती, इंडिया में नहीं आती सीमा हैदर। हाँ, तो मतलब क्या लग रहा है किसानों को, इतने मतलब इतनी कड़ी उससे रोका जा रहा है कि सीमेंट तक बैरिगेटिंग कर दी है। किसान अन्नदाता है, और किसान ही राजनेताओं का एक वोटर है ना, तो किसान जो है, किसान को मतलब अब ये बैरिकेडिंग लग गई, कोई किसान आएगा वो देशद्रोही हो जाएगा। हाँ। वो पाकिस्तानी हो जाएगा फिर। हाँ। पाकिस्तान तो खैर वो उधर उस साइड है। हाँ। ये हिंदुस्तान, लेकिन वो पाकिस्तानी हो जाएगा। हाँ। और ये देखिए। हाँ। ये गड्ढा दिख रहा है आपको जी। ये हाँ। ये जो गड्ढा है। हाँ। असल में गड्ढा नहीं है, हमारे गाँव में जब मैं छोटा बच्चा था तो गांव में ऐसे उतना व्यवस्था नहीं होता था, तो जमीन को खोद दिया जाता था। हाँ। और उसके अंदर लकड़ी डाल के फिर ऊपर शादी ब्याह होता था तो खाना बनाया जाता था पहले। हाँ। मैं छोटा था बहुत। हाँ। तो ये जो है ये चूल्हा है, इतना बड़ा चूल्हा है। हाँ। किसान आ रहे हैं, किसान अपने तरफ से खाने पीने का सारा सामान ला रहे हैं। हाँ। बस गैस की कमी हो गई। हाँ। सरकार मुफ्त गैस दे रही थी तो कह रही किसानों से गुस्सा हो गई, नहीं मैं तो इनको गैस नहीं दूंगा। ठीक है, तो कह रही गैस नहीं दूंगा, कोई बात नहीं, गड्ढा खुदवा दे रहा हूँ। ठीक है, इधर से दो फायदा होगा, एक तो
दिल्ली में नहीं जा पाएंगे। और दूसरा ये गड्ढा जो खुदा हुआ है इस पे अपना खाना बना लेंगे, बंडी वो सब ला रहे अपना बड़ा बड़ा। तो ये हो गया चूल्हा, बहुत शानदार चूल्हा बना है। हाँ, यही से खाना खिला ये बनाया इसलिए गए ताकि किसान अगर वहाँ से ना जा पाए तो उनको यहाँ से भी नहीं निकलने दिया जाएगा। इधर चूल्हा है ना तो आग लग जाएगा, तो आग को पार करके थोड़ी जाएंगे। आग लग जाएगा इधर पूरा। हाँ। जला देंगे कि भैया तुम खाना बनाओ खाओ। हाँ। दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। हाँ। हाँ। तो फिर किसान ये जो सरकार है भाजपा को परेशान करेंगे किसान सब। हाँ, इसीलिए करे नहीं, केजरीवाल जी को परेशान मत करिए। हाँ, लेकिन जो भाजपा सरकार है फिर वो ये क्यों बोलती है हम किसानों के लिए सबसे ज्यादा समर्पित सरकार है? समर्पित है क्या? ज्यादा काम किसानों के लिए जिसने करा है वो भाजपा सरकार ने। ज्यादा काम जो किसानों के लिए आज तक कोई, ये मैं मानता हूँ। हाँ। ये मैं मानता हूँ जो सरकार ये दे रही है वो कोई दूसरा सरकार नहीं दिया। ठीक है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। देखिए किसानों की बात मैं जो करूँ ना, किसान का इस समय बहुत बदतर हाल है, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा। यूरिया पहले कितना मिलता था? 50 किलो मिलता था, उसके बाद में 45 किया गया, रेट पहले सस्ता था महंगा कर दिया गया, उसके बाद में अब 5 किलो फिर जल्दी घटा दिया गया, 5 किलो अब 40 किलो मिल रहा है। आ? मैं कहता हूँ कि ना किसानों के लिए कुछ नहीं किया, वो सिर्फ उद्योगपतियों के लिए किया है, जो मोदी जी हैं वो जो उद्योगपति के लिए किए, किसानों के लिए कुछ नहीं किए। ठीक है, और सैनिकों के लिए कुछ नहीं किए, सैनिक के लिए 4 साल का ले आए सैनिक, अग्निवीर लाए 4 साल के लिए, और किसानों के लिए क्या? अगर किसान के लिए कुछ किया है तो ये क्या है? हाँ। ये बॉर्डर है पाकिस्तान का। हाँ। और ये मैं जंगल से भक्के आया हूँ, मैं वैसे रहता तो बिहार का, रहने वाला बिहार का हूँ, दिल्ली से आऊँ। हाँ। ये जंगल से भक्के आया हूँ, उधर से आने नहीं जा रहे, आने नहीं दे रहे। मतलब आप देखिए किस तरीके की यहाँ पे जो है बैरिगेटिंग कर दी गई है, उसमें मतलब सब देखने से तो लग रहा है कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर लग रहा है, मतलब जो यूपी दिल्ली होने वाला था, लेकिन इन शख्स ने जो बताया कि देखने से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर लग रहा है कि जो किसान जो है वो हिंदुस्तान से आ रहे हैं लेकिन अगर एंट्री होगी तो पाकिस्तान में होगी, कि इस तरीके की बैरिगेटिंग तक कर दी गई है। और हम आपको एक और चीज़ बता देते हैं कि यहाँ से जो लोग जाने वाले थे कि वो यहाँ से निकलने वाले थे लेकिन उनको इतनी तकलीफ हो रही है, उनको यहाँ से निकल के जाना पड़ा क्योंकि जो रास्ता जो है उधर इतना बदबू आ रहा है कि क्या बताऊं। देखिए मैं मास्क लेके आया, ऐसे लगा के आऊं ऐसे। बहुत ज्यादा बदबू आ रहा है, अंदर भागते हुए आया और वहाँ पुलिस वाले भैया रोक लिए, कह रहे अंदर कहाँ जा रहे हो, तो मैं दूसरा बहाना करके आया फिर। हाँ, फिर इधर आया, मैं सोचा इधर क्या पता हो भीड़ भाड़, लेकिन देखा। आपको सरकार से क्या तकलीफ है? सरकारें तो तकलीफ है, सरकारें ही तकलीफ है। हाँ, सरकार से मुझे कोई, सरकार ही तकलीफ है पूरा। क्या सरकार जो है वो किसानों से इतनी डर गई है जो इतने जो बैरिगेटिंग कीले तक लगाई जा रही है कि जो किसान जो है वो आगे ही ना बढ़ पाए? देखिए किसान का एक पांव जानती हैं। हाँ। किसान जब अपने पे आएगा ना तो सरकार ही लेगा। हाँ। तो इसीलिए बैरिगेटिंग कर दिया गया है देखिए, और किसानों को मारने के लिए हमारे जो जवान भाई हैं उनको आगे कर दिया जा रहा है। हाँ। नेता कभी खुद आए? हाँ। नेता आते नहीं है हमारे जो जवान, सरकार बोलेगी वो पुलिस वालों को तो वही करना पड़ेगा ना। हाँ, वो इसीलिए तो एक संस्था है जो पुलिस नाम की, या फिर जो BSF के हमारे अधिकारी हैं वो भी मजबूरन उन्हें ऊपर से ऑर्डर आता है, भैया ऐसा है ना नौकरी तुम्हारे खतरे में है, नहीं तो जो मोदी जी कह रहे हैं ना बात मानो, जो गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं बात मानो, नहीं मानेगा तो यही सब होगा। हाँ। तो मतलब अब जो मोदी है उसने सब कुछ कंट्रोल में कर लिया है, अपने पुलिस वालों को सबको कंट्रोल में कर लिया है क्या? हाँ, तो ED CBI पुलिस सब उसी के तो हाथ में है। तो आपको सीधे तौर पे तस्वीरें जो है हम आपको बता दें, तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो है ऊपर जो है ऊपर तक पे जो फ्लाईओवर है उस तक पे यहाँ पे बैरिगेटिंग कर दी गई। पुलिस आपको चीजें नजर आ रही होंगी, पुलिस दिख रही होगी, बसेस दिख रही होंगी, वहां तक से मतलब निकलने का कोई जो रास्ता है वो नहीं छोड़ा गया है। और भी चीजें इसमें नजर आ रही है कि जो किसान है वो सिर्फ अपना हक मांगने आ रहे हैं उनको, और उनके लिए इस तरीके की बैरिगेटिंग करना, इस तरीके से बैरिगेटिंग करना कि वो निकल ही ना पाए, कीले तक बिछा देना रास्ते में कि जो किसान है उनको ही तकलीफ होगी। और आपको बता दें हम गाजीपुर बॉर्डर जो बॉर्डर है उस पर मौजूद हैं, और यहाँ पे जो है किसानों के लिए इस तरीके की बैरिगेटिंग कर दी गई है, जो सीमेंट है उस तक को लगा दिया गया है यहाँ पे बैरिगेटिंग के नाम पे कि जो किसान जो है वो आ ही ना पाए यहाँ पे, और जो पुलिस वाले हैं वो तैनात हैं यहाँ पे, अपने जो सब कुछ हथियार लेके सब तैनात हो चुके हैं कि किसान जो है उनको आने तक नहीं दिया जा रहा। और यहाँ पे तमाम लोगों से हमने बातचीत करी है, एक शख्स से हमने बातचीत करी है, उसने सीधा कह रहे उसने किसानों के लिए कुछ भी नहीं करा, किसान परेशान है, सब परेशान है, और शायद जो ये सरकार है वो किसानों से डर चुकी है क्योंकि जो सत्ता पलट के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर किसान जो है भारी संख्या में अगर दिल्ली पहुँच जाते हैं, दिल्ली का
घेराव करने पहुंच जाते हैं तो भारी संख्या में जो चीज़ें हैं वो पलटती हुई नजर आएंगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है। शायद यही जो है वो भाजपा सरकार जो है इस तरीके की राजनीति कर रही है कि जो किसान जो है अपनी मांगे को पूरा ही ना करवा पाए। अब देखना ये है कि क्या होता है, क्योंकि जो किसान आंदोलन 2.0 है उसकी शुरुआत तो हो ही चुकी है और जो 12 मुख्य मांगों के साथ किसान जो पहुँच रहे हैं दिल्ली का घेराव करने, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी बोल रहे हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन इस बार जो है अपनी मांगे पूरी करे बिना वापस नहीं जाएंगे। बाकी जो पूरी बातचीत है इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर